केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस संकट के दौरान मीडिया की भूमिका की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है। ये उन लोगों का पुरजोर विरोध करती है जो मीडिया का गला घोटने की कोशिश करते हैं। शाह ने ट्वीट कर यह भी कहा कि हमारी मीडिया बिरादरी अपने महान राष्ट्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। मोदी सरकार की प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और इसका विरोध करने वालों का पुरजोर विरोध करती है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जब 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। ये दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है और PCI एक नैतिक प्रहरी है जो सुनिश्चित करता है देश में पत्रकार निष्पक्ष हैं और बाहरी कारकों से प्रेरित नहीं है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इस अवसर पर अपनी इच्छाओं को ट्वीट किया और कहा कि मीडिया ने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी मीडिया पेशेवरों को मेरी शुभकामनाएं। मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं मीडिया कर्मियों को महामारी के दौरान लगातार लोगों को सूचित करने के लिए सराहना करता हूं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।